हेलो स्टूडेंट्स, आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.4 6.3 तक तड़े हो गए, 6.4 तक क्वेश्चन एक ही भाग मैं एक दो भाग मैं तुम्हें करा दिना, बाकी तुम आप ही करके देखने हैं। हेठ लिखिया संख्यावान का वर्गमूल वंड विधि द्वारा पता करो। वंड विधि की होंगी है भाग विधि। इंग्लिश में लिखा होना फाइंड द स्केयर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाई यूजिंग डिवाइडेड मैथड, है ना। डिवाइडिंग मैथड उन्होंने कह दें, आप भाग करके इन्हों के वर्गमूल करने जिन्हें पार्ट दिते। पहला पार्ट मैं तुम्हें करा लगा 2304 वाला, ठीक है। 2304 पहला पार्ट है, 2304 देखो, 2304 क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट 2304, ठीक है। पहला पार्ट है 2304, ये करांगे आपां। मैं तुहानू जदों एक्सरसाइज शुरू हुई सी सारयां दे स्केयर सिखाए सी ना करने, किस तरह करना आपां इहनू लिखना 2304 नू इस तरह, देखो 2304, ठीक है। दो दो जोड़े बना लेने, पिछों बनाने शुरू करने, ठीक है। हमेशा जोड़ा पिछों बनाना शुरू करना, दो दो दा रकमां दा जोड़ा बना लेना। हुण की करना, दो तरीके होंगे यदा मैं तुहानू सिम पर एक ना बड़ा सिंपल तरीका, वो इधर आप लिख लीए तो उहदे विचों साफ साफ पता लगता कि किन्ना आना। हुण देखो तुसीं इहना वन तो लैके नाइन तक दे स्केयर लिख लो। वन तो लैके नाइन तक दे स्केयर, वन दा स्केयर किन्ना हुंदा वन, टू दा स्केयर किन्ना हुंदा टू दा स्केयर किन्ना हुंदा दो गुणा दो किन्ना चार, ठीक है। थ्री दा स्केयर किन्ना हुंदा छे नहीं तीन गुणा तीन किन्ना हुंदा नौ, ठीक है। चार दा स्केयर किन्ना हुंदा चार गुणा चार, चार चौके सोलह, ठीक है। पंज दा स्केयर किन्ना हुंदा पंजू पंजा पच्ची, ठीक है पच्ची। छे दा स्केयर किन्ना हुंदा छे गुणा छे छत्ती, ठीक है छत्ती। सत दा स्केयर सत गुणा सत, सत्तू सत उनंजा, है ना। अठ दा स्केयर अठू अठा अठ गुणा अठ दो बारी, ठीक है अठू अठा चौंठ। तो नौ दा स्केयर नौ नाए किन्ना होना नौ गुणा नौ मतलब इक्यासी, नौ दा स्केयर इक्यासी। इत्थों तक लिख लो, ठीक है। इत्थे तक लिख लोगे ना तो बड़ा सिंपल है, ये कड कड के लिखना, ठीक है। सब तो पहला आपां इहदे विभाग विच ना आपां अपने को रकम लिखी दी, इधर इधर वाली रकम सानू दित्ती होंदी आ। मान लो डिवाइड वाला, मैं डिवाइड च किदा हुंदा जिदा मान लो इदा चार पाँच दो इहनू डिवाइड करना अठना, इधर वाली रकम दित्ती होंदी, पर इहदे विच असीं इधर वाली रकम आप लाउणी। जोड़े बन गए, पहला जोड़ा देखना किन्ना आ तुहाडा किन्ना 23, ठीक है। तुसीं इहनां स्केयरां विच वेख लैणा 23 कितें आउंदा, 23 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 25, 25 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਿਖੀ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ 16, ਠੀਕ ਹੈ 16, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 16 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 16 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆ, 4 ਦੇ ਸਕੇਅਰ 'ਤੇ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 'ਤੇ, 4 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, 4 ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4 ਗੁਣਾ 4, ਇੱਕ 4 ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 4 ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। चार का स्केयर का मतलब होंदा दो चार आ, चार गुणा चार आ, एक चार तुसीं इत्थे पा देना एक चार उत्थे पा देना, देखो चार चौके सोलह, ओके पता लग गया। उस तो बाद आपां जिहड़ी डिवाइड विच की करीदा माइनस करीदी, इहदे च भी करनी आ माइनस। इत्थे आ गए 13 बणे, 13 चों 6 कढे 7, ठीक है। डिवाइड दे नालों एक चीज़ का इहदा फर्क हुंदा, उह की आ कि इत्थे डिवाइड विच आपां एक अक्खर थल्ले ला सकदे हां, जीरो थल्ले लाउणा सी, पर इहदे विच वर्गमूल जदों कढ़ना तां इहदे दो दे जोड़े दा जोड़ा ही थल्ले लाउणा पैणा, जीरो चार इकट्ठा ही नाल लाउणा पैणा, ठीक है। ये जदों स्टैप कर लिया, दूजा स्टैप इह आ तुहाडा, ये जदों स्टैप कर लिया फिर तुसीं इत्थे किहड़ी रकम लाओगे, ये देखना कि हुण इहनूं तुसीं चार नाल नहीं डिवाइड करना, सिर्फ स्केयरां नाल ही डिवाइड करना। किहड़ी रकम तुसीं इत्थे लाओगे, तां सब तों पहलां की कम करना तुसीं, इत्थे हरेक स्टैप च नवें अक्षर दे नाल डिवाइड हुंदी, इहदा डबल कर देना। चार दा डबल किन्ना हुंदा अठ, किन्ना हुंदा अठ,
चार का डबल कितना होता है आठ। ओके हुण देखो अठ नाल भी आपां इहनूं करना नहीं क्योंकि अठ का स्केयर कितना होता अठ गुणा अठ कितने होंगे चौंह इहदा मतलब आ तां 704 है ना आपां 704 लिखणा इहदे नाल इत्थे आपां एक खाली जगह ते एक होर रकम लाउणी हुंदी आ जिहदा स्केयर दे नाल इह आंसर आ जावे पर आपां उहनूं किद्दां पता करांगे इहदा लास्ट वाला अक्षर देखना इह कितना चार है ना चार देखना चार किहदे स्केयर च आउंदे आ एक च आउंदे आ दो वाले च है ना उस तो बाद वाले कि होंगे अठ वाले च देखो ये भी चार अखर है कहना इस भी चार पहले लास्ट वाला अखर ये नाल अखर लाना तुम कि ला के देखना सब तो पहला तुम आ देखो बयासी इतने दो ला के देखो अठ के नाल दो अठ के नाल जो दो लाओगे स्केयर का मतलब होंगे दो बारी लिखना दो गुणा भी वह ही करना दो ही गुणा करना दो दुनी चार अठ दुनी सोलह कि आया 164 704 तो साडा आया नहीं अठ के नाल दूसरा चार किच आ अठ है ना अठ दे ना इनू ला के देखो अठ दे पहला तो डायरेक्ट से एक अठ होर ला के देखो तो अठ ना ही गुणा करके देखो आ स्केयर पे ना मतलब उन्होंने लिख के उन्होंने गुणा करनी अठू अठा चौंह आंसर छे अठू अठा चौंह तो छे सत्तर कि आ गया 704 यदा मतलब कितने आंदे अठ से अठ एक इतने ला दो तो एक अठ उ 704 बस आदा वर्गमूला 48 तुसे ले दो देयरफोर ले दो 204 दा वर्गमूल बराबर 48 आंसर आए ये तो आंसर है। ओके इन्हें नोट कर लो मैंने होल्ड किया थोड़ा टाइम दे ले वीडियो नू पॉज कर लेना तो नोट कर लेना। ओके